और एक बड़ी खबर आ रही है सीधे विधानसभा से। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के भ्रष्टाचार का मुद्दा कल जयंत पाटिल जी ने विधानसभा में जहां उठाया था, वही आज जितेंद्र आव्हाड जी ने फिर से एक बार नरेंद्र मेहता पर बड़ा हल्ला बोल किया है। 7-11 क्लब का मुद्दा, 7-11 हॉस्पिटल का मुद्दा, सीधे यहां पे एलिगेशन है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त नरेंद्र मेहता के घर के नौकर है। यह सबसे बड़ा हल्ला बोल यहां पर जितेंद्र आव्हाड ने यहां पर किया है। आइए देखते हैं क्या कहा है जितेंद्र आव्हाड जी ने उन्हीं के जुबानी। महानगर पालिकेचा आयुक्त तो त्याचा नौकर असल्यासारखा काम करतो, कारण का जाहीररित्या बोललं जातं। अरे ये है ना, इसको तो लाया मैंने। वैसे तो मीरा भाईंदर के भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता हमेशा विवादों से घिरे होते हैं। कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा उनके विवादों से घिरा पड़ता है, लेकिन अब उनके भ्रष्टाचार और विवादों के मुद्दों को विधानसभा के सभागृह में विपक्ष के नेता उठाना शुरू कर दिया है। इससे क्या नरेंद्र मेहता सीधे रडार पर आए हैं? आइए देखते हैं जितेंद्र आव्हाड जी ने उनके भाषणों में कौन से मुद्दे लिए विस्तार में। सबसे पहले तो उन्होंने 7-11 के क्लब का मुद्दा यहां पर लिया, जहां पर नरेंद्र मेहता और उनके कई साथीदारियों पर FIR भी दर्ज है मैनग्रोव की कत्ल के बारे में। ये पूरी जगह CRZ जोन में आती थी, फिर क्लब यहां पर कैसे बना, ये सवाल यहां पर जितेंद्र आव्हाड जी ने सभागृह में उठाया है। देखते हैं उनकी ये झलक। चल तुमच्या मध्ये कोणामध्ये हिम्मत तर आज सांगा की 7-11 ची आम्ही इथे चौकशी लावतो। बेकायदेशीर असेल काढणार बिनणार नाही साहेब। हे आता हे फक्त आपल्या काळात झालं का आपण एथिक्स, आपण मॉरल्स, व्हॅल्यूज याला प्रमाणापेक्षा जास्त महत्व देतो। राजकारणात आता ते संपलं। अध्यक्ष मध्ये CRZ खोटी कागदपत्र, मँग्रोव्ज, 5-स्टारचा क्लब, हे एवढं सगळं सांगितल्यानंतर जर काम काहीच कारवाई होणार नसेल त्याचं कारण असं की आता मी भाषण करतोय ते लाईव्ह कमीत कमी 10 माणसं तरी मीरा भाईंदर वरती बसले। आणि हे कायदे मंडळ आहे, या कायदे मंडळामध्ये आरोप झाल्यानंतर काहीतरी कारवाई होईल आणि त्या कारवाईवरती विश्वास ठेवून आम्ही आमचे आमदार निवडून दिले आहेत असं वाटणाऱ्यांच्या विश्वासाला धक्का बसणार आहे। एक आमदार बेकायदेशीर बांधकाम करतो, गरिबाच्या झोपड्या बेकायदेशीर असतील तर आपण निर्णय घेतो, अरे तोडून टाक्या साला जाईल रस्त्यावर, पण करोड रुपये गुंतवून 5-स्टार हॉटेलचं रूपांतर क्लब मध्ये, तेही बेकायदेशीर, जमीनही बेकायदेशीर, परवानग्याही बेकायदेशीर, याला काय म्हणायचं? 7-11 के क्लब के साथ CM देवेंद्र फडणवीस जी की नरेंद्र मेहता और RN बिल्डर के साथ की नजदीकी अभी यहां पर चर्चा का विषय बनी। यहां पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि एक भूखंड में जहां पर शासकीय जमीन का बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा था, वहां CM आते आते बचे। आइए जानते हैं जितेंद्र आव्हाड जी ने क्या कहा। मुझे एखाद्या शहर एखाद्या आमदाराच्या हातात द्यायचं तर किती द्यायचं, त्याने लुटायचं तर किती लुटायचं। अध्यक्ष महोदय, या आमदारांनी एक RNA नावाच्या एका बिल्डर बरोबर हातमिळवणी केली, एक शासकीय जमीन ताब्यात घेतली, त्या शासकीय जमिनीवरती शासकीय कार्यालय बांधण्याचा घाट घातला। एक अतिशय प्रामाणिक जिल्हाधिकारी होत्या बावनकुळे साहेबांना, त्यांचं नाव माहिती आहे, आपल्या जोशीताई अश्विनी जोशी, त्यांच्या लक्षात आलं हे काहीतरी गंभीर प्रकरण आहे। मुख्यमंत्री महोदय स्वतः येणार होते, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना फोन करून सांगितलं की साहेब हा घोटाळा आहे, ह्याच्यामध्येही शासकीय जमीन आहे, ह्या दोघांनी संगनमताने ही जमीन लाटली आहे, येऊ नका। नाही आले मुख्यमंत्री, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजे। पण पुढे या जमिनीचं काय झालं? ही खोटी कागदपत्र बनवून जमीन बळकवणारा RNA, ज्याला परवा इमिग्रेशन मध्ये लोकांना पोलिसांनी पकडला, त्याच्यावरती अजून 2-4 खटले दाखल झालेत, बाप आज जेलमध्ये। या RNA या मुंबईमध्ये असे अनेक रिझर्वेशन खाऊन टाकली। नरेंद्र मेहता जी के 7-11 हॉस्पिटल पे मैटर्निटी रिजर्वेशन का मुद्दा भी यहां पर जोरों शोरों से सामने आया। क्या है मुद्दा, क्या कहा जितेंद्र आव्हाड जी ने, आइए आपको दिखाते सीधे सीधे विधानसभा से। साहेबांचे एक जागा होती, त्याच्यावरती मेटर्निटी होमचं रिझर्वेशन होतं। आता नवीन एक कायदा आला की तुमचं जर रिझर्वेशन असेल तर तुम्ही अकॉमोडेशन रिझर्वेशनच्या अंतर्गत
25% जागा त्या कारणासाठी ज्या कारणासाठी रिझर्वेशन आहे ती बांधून उर्वरित जागा तुम्ही स्वतःसाठी डेव्हलप करा, पण ती 25% जागा तुम्ही म्युनिसिपालिटीला हँड ओव्हर करा. आता बावनकुळे साहेब मेटर्निटी होमचं रिझर्वेशन साहेबांनी बांधलं हॉस्पिटल, त्या हॉस्पिटलमध्ये मेडिकल शॉप, त्या हॉस्पिटलमध्ये कमर्शियल गाळे, बोंबाम सुरू झाली. मग आयुक्तांच्या लक्षात आलं ह्याच्यात लफडं होणार, मग आयुक्तांनी ती जागा ताब्यात घेतली 25%. 25% मेटर्निटी होम करण्यासाठी 1,20,00,000 इन्स्ट्रुमेंटचे जाहिरात निघाली. मेजॉरिटी साहेबांची आहे, साहेबांनी ठराव केला ह्या मेटर्निटी होमची काही गरज नाही. अरे जो डीपी शासनाने पास केलाय, ज्या डीपी वरती तू मेटर्निटी होम बांधणार म्हणून तुम्ही परमिशन घेतली, ते मेटर्निटी होम आता शहराला गरज नाही. हा ठराव महानगरपालिका करते, पण त्या ठरावाचं कंडोनेशन करून घ्यावं असं काही तिथल्या आयुक्तांना वाटत नाही. जहां एक और बस कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव सर पर है और कुछ पलों के बाद पूरी जोरों शोरों से प्रचार शुरू होने वाला है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा के सभागृह में नरेंद्र मेहता जी पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है. लगातार दो दिन एक ओर जयंत पाटिल और दूसरी ओर जितेंद्र आवार की ओर से नरेंद्र मेहता पर लगाए हुए आरोपों को अब ये कैसे उत्तर देंगे? क्या ये आरोप आने वाले चुनाव में नए समीकरणों को जन्म देगा? क्या ये आरोप राष्ट्रवादी और कांग्रेस के नेताओं को इकट्ठा लाएगा या भाजपा कोई नई चाल चलकर अपनी सीट बचाने की कोशिश करेगी? ये देखना बहुत मुलाजिम होगा. हम आपके पास जरूर लौटेंगे. आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है जितेंद्र आवार जी के इन आरोपों के बारे में. कनेक्ट रहिए मीरा भाईंदर लाइव के साथ.